दारुल उलूम देवबंद के मोहतमे मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने सऊदी अरबिया के जरिए तबलीगी जमात के खिलाफ मुहिम जोई पर किया तश्वीश का इजहार। कहा, तबलीगी जमात के जरिए अकाबिर की मुखलिसाना जद्दोजहद दीनी व मिली एतबार से रही है मुफीद। साथ ही कहा कि जमात पर शिर्क व बिदअत और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम कतई बेबुनियाद और बेमाना। सऊदी हुकूमत से अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात पर सबकी नजरें जमी हुई। तमाम सियासी पार्टियां इख्तदार हासिल करने और इसमें हिस्सेदार बनने के लिए हैं कोशां। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी की कोशिश कुछ भी हो, सिर्फ मुसलमानों को वोट तकसीम करने का है इल्ज़ाम। कहा, 100 सीटों पर अगर मुत्तहिद होकर दिया गया वोट तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान होगा अगला नायब वजीर आला। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से किया महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में महंगाई हटाओ महारैली का किया गया इनेकाद। महारैली में सर्दी के मौसम में छुट्टी के बावजूद बड़ी तादाद में रही लोगों की शिरकत। महंगाई से लोग काफी परेशान, मरकजी हुकूमत की उड़ सकती है नींद। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एमएसपी कानून की वकालत। कहा, जरी बोहरान पर बहस काफी वक्त से जारी, अभी एमएसपी कानून बनाने का आ गया वक्त। एमएसपी के हवाले से कुछ तजावीज की फहरिस्त पार्लियामेंट में भी की पेश। जरी कवानीन की वापसी के बाद वजीर आला को खत लिखकर एमएसपी पर कानून बनाने और जान गंवाने वाले किसानों के घर वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का भी किया था मुतालबा। महाराष्ट्र में कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 7 नए अफराद के मुतासिर होने से मरीजों की तादाद बढ़कर हो गई 17। 4 मरीज पुणे के इलाके से और 3 मुंबई में पाए गए। ओमिक्रॉन की वजह से रियासती हुकूमत ने किए कई इकदामात। हुकाम की तरफ से मुकरर करदा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील, वरना की जाएगी सख्त कार्रवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में तिरंगा यात्रा के दौरान मुसलमानों को सियासी सेकुलरिज्म के झांसे में ना फंसने का दिया मशवरा। कहा, सेकुलरिज्म ने हमें कुछ नहीं दिया, मेरा यकीन आईनी सेकुलरिज्म ना के सियासी सेकुलरिज्म। महाराष्ट्र की तफसीलात बताते हुए शिवसेना और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना और कहा, हुकूमत मुसलमानों को तहफ्फुज फराहम करती तो मुसलमान बच्चों को हो सकती थी तालीम हासिल। भारत के शुमाल मशरक में CAA के खिलाफ फिर हुआ एहतजाज शुरू। कानून के 2 साल की तकमील पर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गुवाहाटी में किया गया जबरदस्त एहतजाज। 2 साल की तकमील के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। तलबा ने एहतजाज के दौरान अहम मकामात पर लहराए सियाह परचम, साथ ही हुकूमत को अवाम का इस कानून के खिलाफ होने का भी दिया पैगाम। भारत की सबसे बड़ी टेली कंपनी रिलायंस जियो को CDP के 2021 के आलमी रेटिंग में A रेटिंग मिली। लंदन में हेडक्वार्टर वाली CDP माहौलियाती असरात से निमटने के लिए कंपनियों के तौर तरीकों की करती है रेटिंग। गुज़िश्ता साल जियो की रेटिंग B थी, जिसमें इस साल सुधार हुआ। वहीं एयरटेल ने भी गुज़िश्ता साल की D रेटिंग में सुधार कर इस साल C रेटिंग की हासिल। ताजिरों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने हाल ही में अमेजोन पर गांजा फरोख्त करने का लगाया था इल्ज़ाम। साथ ही वजीर आजम को अमेजोन पर मार्जुआना की फरोख्त की जांच के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम की तश्कील की थी गुजारिश। अब मध्य प्रदेश की हुकूमत ने एक SIT दी तश्कील। कैट ने भी इस फैसले का किया इस्तकबाल। इजरायली वजीर आलम नफ्ताली बेनेट इतवार को मुतहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं पहुंच रहे। किसी भी इजरायली वजीर आजम का इस मुल्क का होगा पहला सरकारी दौरा। दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब आलमी सतह पर इलाकाई कशीदगी के हवाले से आलमी ताकतों का G7 इजलास जारी और G7 ने रूस, चीन और ईरान के खिलाफ मुश्तरका मौकिफ अपनाने पर कर लिया है इत्तेफाक।